बसमिल दोस्तों इस लेक्चर में हम फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर नाइन सॉल्व करना सीखेंगे क्वेश्चन हमारे पास फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ फैसल एंड को यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दर एंड थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट ठीक है रिक्वायरमेंट हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और बैलेंस शीट की ट्रायल बैलेंस की तरफ चलते हैं ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हमें दिया गया है ओपनिंग स्टॉक जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है सेवेंटी फाइव थाउजेंड से हमें दिया गया है लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है हमारा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा गुडविल इनटेंचिबल एसेट है ठीक है यह भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगी प्लांट एंड मशीनरी एसेट लो स्टोल्स एसेट्स ये भी हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं ड्राइंग्स एंड कैपिटल देखें दो चीज़ें भी दी गई हैं एक ड्राइंग्स और एक कैपिटल और यहाँ पे एक है डेबिट साइड पे एक है कैपिटल सॉरी क्रेडिट साइड पे जो हमारा कैपिटल है ये हमारा क्रेडिट साइड पे है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और ड्राइंग्स डेबिट साइड पे है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है कैपिटल हमारी लाइब्रेरी साइड पे रिकॉर्ड होंगी और ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी ठीक है ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती हैं इसके बाद रिसीवेबल्स एंड बिल्स पेएबल रिसीवेबल हमारे डेबिट साइड पे हैं और पेएबल्स हमारे क्रेडिट साइड पे हैं ट्वेंटी थाउजेंड परचेजेस एंड सेल्स डेबिट साइड पे हमें परचेजेस दी गई हैं और क्रेडिट साइड पे हमें सेल्स दी गई हैं परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होंगी इसके बाद इनवर्ड देखिए क्वेश्चन में अगर हमें सिंपली कैरेज दिया गया सॉरी मैंने इनवर्ड कह दिया अगर क्वेश्चन में हमें जस्ट कैरेज दिया गया हो साथ इनवर्ड ना दिया गया हो तो इसको हम कंसिडर करते हैं कैरेज एनवर्ड ठीक है तो ये हमारा कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होता है अगर कैरेज के साथ आउटवर्ड होता तो फिर ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था लेकिन यहाँ पर इसके साथ ना ही इनवर्ड लिखा हुआ है ना ही आउटवर्ड तो इसको हमने अपना डायरेक्ट एक्सपेंस ही कंसिडर करना है कैरेज इनवर्ड जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा इसके बाद सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होगा वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा लोन टू सलीम एंड को एट टेन परसेंट पर एन एम देखें लोन टू सलीम हमने सलीम को लोन दिया एट द रेट टेन परसेंट पर एन एम उससे हमने टेन परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट चार्ज करना है ठीक है लोन की टोटल अमाउंट है थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी देखें सलीम को लोन दिया उससे हमने वापस लेना है ठीक है तो जो भी हमारा रिसीवेबल होता है वो हमारा डेटर होता है तो इसको तो हमने बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड करना है और इस पर जो इंटरेस्ट होगा हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो हमारी इनकम है ठीक है इसके बाद सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डेटर्स डेबिट साइड पर हैं क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पर ठीक है, credit है बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड होंगे कैश एट है बैंक कैश एंड हैंड दोनों एसेट्स हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड पर रिकॉर्ड होंगे फर्नीचर है हमारा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बैलेंस शीट के एसेट साइड पर रिकॉर्ड होगा इसके बाद हमें दी गई हैं रिटर्न एक देखिए रिटर्न हमें डेबिट साइड पर दी गई है और एक रिटर्न हमें क्रेडिट साइड पर दी गई हैं ये हमारी परचेजेज रिटर्न है सॉरी ये हमारी सेल्स रिटर्न है थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी हमारी परचेजेज रिटर्न है ठीक है तो इनको हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो लिखा हुआ है इनको परचेजेज रिटर्न में से माइनस परचेजेस में से माइनस करना है और जो रिटर्न हमें डेबिट साइड पे दी गई हैं ये हमारी सेल्स रिटर्न है ठीक है तो इनको हमने सेल्स में से माइनस कर देना है इसका लॉजिक क्या है कि जो हमारी क्रेडिट साइड पर इसको हमने परचेज रिटर्न क्यों का देखें हमने गुड्स परचेज की तो हमने परचेज को डेबिट किया अब हमने जो गुड्स परचेज की थी उनको हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमारी गुड्स हमारा एसेट है हम डिक्रीज हो रही हैं तो हम इनको क्रेडिट कर रहे हैं ठीक है सो so, ये परचेजेस में से माइनस होगी क्रेडिट हो रही हैं और डेबिट सेल्स को देखें हमने सेल्स की थी किसी कस्टमर पे ठीक है तो सेल्स को हमने क्रेडिट किया था अब उसने हमें रिटर्न कर दी ठीक है तो सेल्स जब रिटर्न होगी तो हमने सेल्स को डेबिट कर देना है ठीक है तो इसलिए ये डेबिट साइड पर जहाँ पर लिखी हुई है और इनको सेल्स में से माइनस करेंगे बेड डेट्स हमें ऑल बेड डेट्स दिए गए हैं वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस देखिए प्रीपेड हमारा वो एक्सपेंस होता है जिसको अभी तक हमने यूटिलाइज नहीं किया होता ठीक है मतलब ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है ठीक है तो प्रीपेड जो भी एक्सपेंस होता है वो हमारा एसेट होता है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है ठीक है सो तो इसको हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमें दिए गए हैं स्टॉक एट फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड फाइव फिफ्टी थाउजेंड क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा ठीक है डेप्रीसीट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट टेन परसेंट एंड बिल्डिंग फाइव परसेंट मशीनरी पर टेन परसेंट डेप्रीसी चार्ज करनी है और बिल्डिंग पे फाइव परसेंट आउटस्टैंड वेजेस रुपीज़ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आउट मीन्स के वेजेस ड्यू हो गई हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं की ठीक है तो एक तो ये हमारा एक्सपेंस है डायरेक्ट एक्सपेंस है और दूसरा एट द सेम टाइम ये हमारी लाइबिलिटी भी है कि ये ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक पे नहीं की वेजेस ये रहें थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी इनमें हमने टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को प्लस कर देना है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और तो दूसरा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को हमने लाइबिलिटी साइड पर भी रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये ड्यू हो चुकी हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं की ठीक है इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडजस्टमेंट ताकि याद रहे इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सलीम एंड को लोन वाज ड्यू फॉर वन ईयर देखें जो इंट्र, इंट्र, सलीम एंड को को हमने लोन दिया है थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन ईयर का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं किया तो जो इंटरेस्ट है इस पर टेन परसेंट हम लेंगे जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करना है क्योंकि वो इनकम है और दूसरा हमने उसको एसेट साइड पर रिकॉर्ड करना है क्योंकि इंटरेस्ट हमारा रिसीवेबल है ठीक है ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं किया और इंश्योरेंस एक्सपायर्ड वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवनटी फाइव देखें जो हमारी प्री पेड इंश्योरेंस है ये तो हमारा टोटली totally एसेट है लेकिन इसमें से कुछ इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर हो चुकी है ठीक है जो एक्सपायर हो चुकी है मीन्स के यूटिलाइज हो गई है उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है टोटली वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव से और जो प्रीपेड इंश्योरेंस है फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड सेवनटी फाइव इसमें से हमने जो एक्सपायर्ड इंश्योरेंस है इसको माइनस करना है और बैलेंस शीट के एसेट साइड पर रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये यूटिलाइज हो चुकी है इसमें से और प्रोवाइड फाइव परसेंट ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड टू परसेंट फॉर डिस्काउंट ठीक है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का फार्मूला लगेगा और दूसरा फार्मूला होगा हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स ठीक है तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने किस तरह से सॉल्व करना है सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ठीक है सो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारे पास सेम फॉर्मेट बनेगा सबसे ऊपर कंपनी का नाम उसके बाद ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड फाइव ठीक है सबसे पहले हमारा बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड पे हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक उसके बाद परचेजेस और परचेजेस रिटर्न्स माइनस हो जाती हैं यहाँ पर परचेजेस में से क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं सेल्स इसमें से हम रिटर्न्स को माइनस करते हैं और दूसरा हमारा यहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक ठीक है ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया है सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड डायरेक्टली हमें यहाँ लिख देना है इसके बाद हमें यहाँ पर बताए गए हैं परचेजेस एंड सेल्स वन लेख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड परचेजेज हैं ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और सेल्स हमें बताई गई हैं थ्री लेख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अब इनकी रिटर्न हमने लिखनी है तो रिटर्न हमें यहाँ पर बताए गए हैं थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ये सेल्स रिटर्न है थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और परचेज़ रिटर्न थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है और क्लोजिंग स्टॉक है फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड को हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिख देना है अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे ठीक है सो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है वो है वेजेस, ठीक है सो हमने वेजेस लिखनी है वेजेस की अमाउंट है थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी और इसमें हमने आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड करनी है जो हमें एडजस्टमेंट में बताई गई हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इनको हमने ऐड कर देना है थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टोटल वेजेस हमारे पास आई थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी और उसके बाद नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा यहाँ पर कैरेज ठीक है कैरेज इन वर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी अब हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है क्योंकि हमारे पास और कोई भी क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया गया परचेज में से हमने परचेज रिटर्न माइनस करनी है वन लेख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस थ्री सेवन फाइव जीरो ठीक है हमारे पास परचेजेज आई वन लेख एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी और सेल्स में से भी हमने सेल्स रिटर्न माइनस करनी है थ्री लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस थ्री वन टू फाइव ठीक है आंसर आया थ्री लैख नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव क्लियर अब यहाँ पर हमारी इनकम साइड बड़ी है इनकम साइड को हमने ऐड करना है और जो हमारी डेबिट साइड है इसको हमने माइनस कर देना है थ्री लाख नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव प्लस फिफ्टी थाउजेंड थ्री लेख फिफ्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव फिफ्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव डेबिट साइड पे भी लिखेंगे डेबिट साइड के अमाउंट हमने माइनस कर देनी है माइनस करेंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस वन लेक एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी माइनस थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी माइनस वन टू फाइव जीरो ठीक है हमारा यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी अमाउंट आई वन लेख फोर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव वन लेख फोर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव यह है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अब ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ इसके बाद हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है ग्रॉस प्रॉफिट वन लेख फोर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है अब यहाँ पे देखें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होंगे उनको हमने रिकॉर्ड करना है ओपनिंग स्टॉक नहीं लैंड एंड बिल्डिंग भी नहीं गुडविल भी, भी नहीं प्लाट एंड मशीनरी ड्राइंग इन कैपिटल बिल्ज परचेज सेल्स कैरिट सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्सपेंसिस सो हमने सैलरीज को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है सैलरीज की अमाउंट हमें बताई गई है थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है इसके बाद हमारे यहाँ पर लोन टू सलीम देखें सैलरीज वेजेस इन डायरेक्ट एक्सपेंस लोन टू सलीम जो हमने सलीम को लोन दिया है उस पर हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ये हमारी इनकम है ठीक है इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है लोन की अमाउंट है थ्री थाउजेंड

बेडर्स प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस भी हमारा रिकॉर्ड नहीं होता जो है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं सबसे पहले देखें स्टॉक हमें बताया गया है क्लोजिंग रिकॉर्ड कर ली हमने डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी टेन परसेंट एंड बिल्डिंग फाइव परसेंट ठीक है तो इनकी डेप्रिसिएशन हमने फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ठीक है मशीनरी की अमाउंट क्वेश्चन में हमें बताई गई है सिक्सटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी और इस पर हमने चार्ज करना है टेन परसेंट सिक्सटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मल्टीप्लाई टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड आंसर आया सिक्स एट सेवन फाइव ठीक है ये इसकी डेप्रिसिएशन है इसके बाद दूसरी डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बिल्डिंग की अमाउंट हमें क्वेश्चन में बताई गई है इसकी परसेंटेज हमें बताई गई है फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ठीक है ये बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है इसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस हम इनको रिकॉर्ड कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन सलीम एंड को लोन इसको भी हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर चुके हैं इसके बाद इंश्योरेंस एक्सपायर्ड देखें जो इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुके है जो हमने यूटिलाइज कर ली है वो हमारा करंट ईयर का एक्सपेंस है सो so, इसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड अमाउंट है वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ठीक है और इसके बाद है प्रोवाइड फाइव परसेंट ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड टू परसेंट फॉर डिस्काउंट यहाँ पर हमारा प्रोविजन फॉर डाउट फुल डेट्स का फार्मूला लगेगा प्रोविजन फॉर डाउट फॉल डेट्स ठीक है फॉर्मूला होता है हमारे पास ऑल बैड डेट्स न्यू न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन फॉर्मेट छोटा हो गया मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हैं जी ठीक है ओल्ड बेडेट्स न्यू बेड्स न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन ओल्ड बेड डेट्स वो होते हैं जो हमें ट्रायल बैलेंस में दिए गए होते हैं न्यू बेड डेट्स हमें एडजस्टमेंट्स में हमेशा दिए गए होते हैं न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट में दी गई होगी ओल्ड प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस में दी गई होगी तो यहाँ पर ओल्ड बेड डेट्स हमें दिए गए हैं वन जो हमारे ओल्ड बेड डेट्स हैं सो ओल्ड बेड डेट्स वन एंड सेवनटी और जो हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में प्रोविजन दी गई है ये हमारी न्यू प्रोविजन है सो न्यू प्रोविजन को हम डेटर्स पे चार्ज करेंगे डेटर्स की अमाउंट है हमारे पास डेटर्स ये फिफ्टी थाउजेंड सो फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड न्यू डेट्स की अमाउंट है टू थाउजेंड सॉरी ये न्यू प्रोविजन है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है और प्रोविजन हमें नहीं दी गई न्यू पेडेट्स भी हमें नहीं दिए गए तो सिंपली हमने इन दोनों को ऐड करने क्योंकि ये तीनों ऑफिस में ऐड हो रहे हैं और न्यू प्रोविजन माइनस हो रही है सो वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव प्लस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टोटल अमाउंट हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ठीक है 4, इसके बाद प्रोवीजन फॉर डिकाउंट ऑन डेटर्स डिस्काउंट ऑन डेटर्स हम हमें जब भी क्वेश्चन में दिए गए होंगे तो हमने इसका फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है कि डेटर्स में से हमने अगर हमें न्यू बेडेट्स दिए गए हैं ठीक है तो वो भी माइनस करने हैं अगर हमें न्यू प्रोविजन दी गई है वो भी हमने माइनस करनी है और अगर हमें ओल्ड प्रोविजन दी गई है तो भी वो भी हमने माइनस करनी है ओल्ड बेड डेट्स के साथ हमने नहीं छेड़ना ठीक है ओल्ड बेड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउट फुल डेट्स की सूरत में माइनस नहीं होते जैसे यहाँ पे देखें डेटर्स हमें दी गई हैं फिफ्टी थाउजेंड सो फिफ्टी थाउजेंड माइनस न्यू प्रोविजन न्यू प्रोविजन हम माइनस करेंगे तो ज, जितने हमारे पास एक्चुअल में डेटर्स आएंगे बेसिकली हम उन पर प्रोविजन रख रहे हैं देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल सॉरी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमारी ये होती है कि हमारे कोई भी डेटर्स अगर हमें टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं तो उनको हम एक किस्म की रिबेट दे रहे होते हैं एक किस्म का डिस्काउंट दे रहे होते हैं कि आपने हमें टाइम से पहले पेमेंट की तो हम आपको इतनी परसेंट डिस्काउंट दे रहे होते हैं तो बेसिकली ये हमारा एक्सपेंस होता है ठीक है तो हम प्रोविजन भी उन डेटर्स पर ही रखेंगे जिन्होंने बेसिकली हमें अमाउंट देनी है बेड डेट्स तो हमारे वो होते हैं जिन्होंने हमें अमाउंट देनी ही नहीं है तो उन पर हम प्रोविजन चार्ज ही नहीं करेंगे ठीक है सो तो न्यू प्रोविजन हमने माइनस कर देनी है न्यू प्रोविजन हमें बताई गई है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर था फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है बेसिकली हमने इस पर डिस्काउंट की प्रोविजन चार्ज करनी है फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई टू डिवाइडेड बाय हंड्रेड ठीक है सो so, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे जितनी भी इन डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने थे वो हमने कर लिए क्रेडिट साइड को हम ऐड करते हैं वन लेख फोर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री सेवेंटी फाइव आंसर आया वन लैख फोर्टी वन थाउजेंड इसको डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड करेंगे वन फोर्टी वन थाउजेंड ठीक है डेबिट साइड माइनस कर देंगे थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव माइनस थ्री वन टू फाइव माइनस वन एट सेवेंटी फाइव माइनस फोर थ्री सेवन फाइव माइनस नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी हमारे पास आंसर आया एटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड जो है हमारा नेट प्रॉफिट ठीक है अब सिंपली हम यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो है बैलेंस शीट की बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी सेम होता है डेबिट साइड पे हमारे पास एसेट्स और क्रेडिट साइड पे हमारे पास लाइबिलिटीज यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते वक्त सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख देना है कैपिटल कैपिटल में हमेशा हमारा एड होता है नेट प्रॉफिट और इसमें से अगर क्वेश्चन में हमें दी गई हूँ ड्राॅंग्स तो ड्राइंग्स को हमने माइनस करना होता है सो so, यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मिली बने ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया लैंड एंड बिल्डिंग सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है जो हमने इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की है सो so, लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ये थर्टी वन ट्वेंटी फाइव थर्टी वन ट्वेंटी फाइव ये इसमें से हमने माइनस कर देनी है इसके बाद नेक्स्ट है गुडविल ठीक है हमारा एसेट है एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगी गुडविल गुडविल की अमाउंट है फिफ्टी थाउजेंड इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एंड मशीनरी अमाउंट है सिक्सटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी और इसमें से हमने डेप्रीसी माइनस करनी है ठीक है इस पर जो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट की थी सॉरी ये सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ये बी प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस हो जाएगी इसके बाद लूज टूल्स ये भी हमारे एसिड्स हैं लूज टूल्स ठीक है tools, इनकी अमाउंट है वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी नेक्स्ट हमें गीत है ड्राइंग्स एंड कैपिटल ड्राइंगस के अमाउंट है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कैपिटल के अमाउंट है वन लेख फिफ्टी थाउजेंड सो यहाँ पे इनके सामने लिख देंगे वन लेख फिफ्टी थाउजेंड नेट प्रॉफिट हमारा आया था एटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड और ड्राइंग्स हैं हमारी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड जो में से लेस हो जाएंगी क्लियर इसके बाद बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल जो भी रिसीवेबल होते हैं वो हमारे एसेट्स हैं जो पेएबल्स हैं ये हमारी लाइबिलिटीज हैं सो so, रिसीवेबल सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी बिल्स रिसीवेबल सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड बिल्स पे एबल हैं हमारे ट्वेंटी थाउजेंड इसके बाद परचेज एंड सेल्स कैरेज सैलरीज वेजेस हमें दी गई हैं सॉरी चले इनको एडजस्टमेंट में देखेंगे लोन टू सलीम एंड को एट टेन परसेंट देखें सलीम को हमने लोन दिया उससे हमने वापस लेना है तो ये भी हमारा रिसीवेबल है हमारा एसेट है सो so, इसको हमने एसेट साइड पे रिकॉर्ड करना है लोन टू सलीम अमाउंट है थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी और इस पर लोन बल जो हमने उससे लोन रिसीव करना है थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंडरी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स डेटर्स हमारे एसेट्स हैं और क्रेडिटर्स हमारी लाइबलिटीज हैं सो क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स की अमाउंट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है और डेटर्स so, को, को हमने यहाँ पर एसेट साइड पर रिकॉर्ड करना है डेटर्स में से हमने माइनस करने हैं न्यू डेट्स देन न्यू प्रोवियन और इसमें से हमने माइनस करना है डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो हमने फाइंड आउट किए ठीक है न्यू डेट्स हमें क्वेश्चन में नहीं दिए गए न्यू प्रोविजन हमने फाइंड आउट की टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे न्यू प्रोविजन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड लेस होगी डेटर्स में से और जो डिस्काउंट हमने फाइंड आउट किए ये भी हमने माइनस करना होगा डेटर्स में से ताकि हमें एक्चुअल डेटर्स कंफर्म हो जाए ठीक है डेटर्स की टोटल अमाउंट हमें बताई गई है फिफ्टी थाउजेंड इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे इसके बाद नेक्स्ट वन है कैश एट बैंक कैश इन हैंड दोनों एसेट्स हैं कैश एट बैंक कैश इन हैंड कैश एट बैंक है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और कैश एंड हैंड वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी उसके बाद हमें फर्दर दिया गया है फर्नीचर फर्नीचर की अमाउंट है वन सॉरी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है इसके बाद रिटर्न्स बेड डेट्स एंड प्रीपेड इंश्योरेंस इसको करते हैं सबसे पहले फॉर्मेट को थोड़ा सा बड़ा कर दें ठीक है हमारी यहां पर आएगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस हमें बताई गई है फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फ़ाइव ये हमारा एसेट है लेकिन इसी में से हमें यहाँ पर बताया गया है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड मतलब यूटिलाइज हो चुकी है सो so, इस एसेट में से जो एक्सपायर हो गई है उसको हमने माइनस कर देना है तब हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट होगी सो किस तरह करेंगे फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फ़ाइव इसमें से जो एक्सपायर हो चुकी है इसको हमने माइनस कर देना है वन एट सेवन फाइव ठीक है तो ये भी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ठीक है क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट साइड पे रिकॉर्ड होगा क्लोजिंग स्टॉक ठीक है फिफ्टी थाउजेंड इसके बाद डेप्रिसिएशन हमारी हो गई आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी यहाँ पर लाइब्रेटरी साइड पे रिकॉर्ड होंगी आउटस्टैंडिंग वेजेस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है इंटरेस्ट ऑन लोन वास ड्यू फॉर वन ईयर ड्यू हो गया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया तो ये हमारा एसेट है एसेट साइड पे हमने रिकॉर्ड कर दिया ये थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव इसके बाद इंश्योरेंस एक्सपायर का भी हमने कर दिया प्रोवाइड फाइव परसेंट ऑन डेटर्स इसको भी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया डेटर्स में ठीक है इसमें चेक करते हैं हमारी कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है क्रेडिट साइड की कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले वन लेख फिफ्टी थाउजेंड प्लस एटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ठीक है हमारे पास यहाँ पर आंसर आया टू लेख थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड ठीक है अब यहाँ पर इन चारों अमाउंट्स को हमने ऐड कर देना है लाइब्रेरी साइड पे सो टू लेख थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आंसर आया थ्री लेख एलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थ्री लेख एलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड इसके बाद एसेट साइड है लैंड एंड बिल्डिंग सिक्स टू फाइव डबल जीरो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे थ्री वन टू फाइव फिफ्टी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फ़ाइव इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी सिक्सटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी माइनस सिक्स एट सिक्सटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव इसके बाद डेटर्स फिफ्टी थाउजेंड इसमें से न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और डिस्काउंट ऑन डेटर्स नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी ठीक है सॉरी इसको यहाँ पे लिखना था फोर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी इसके बाद यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस फोर थ्री सेवन फाइव माइनस वन एट सेवन फाइव टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है अब यहाँ पर हम इसको ऐड करते हैं Fifty nine thousand three hundred and seventy five plus fifty thousand plus sixty one thousand eight hundred and seventy five plus one two five zero plus, plus, plus six thousand two hundred and fifty plus three seven five zero plus three seven five plus forty six thousand five hundred and fifty plus twenty five thousand six hundred and twenty five plus वन टू फाइव ज़ीरो प्लस टू फाइव डबल ज़ीरो अगेन टू फाइव डबल ज़ीरो प्लस फिफ्टी थाउजेंड आंसर आया हमारा थ्री लेख एलेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ठीक है सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिक्वायरमेंट है और बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट कम्प्लीट हुई